बोलो साहेब। सो गाइज, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस ओवर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। सो मैं मस्त अपने मौज में मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए आराम से चल रहा था कि अचानक 5-6 पुलिसकर्मियों ने मुझे रोका, और रोक कर जो कुछ भी हुआ है वो आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे रूल के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आप सबको पता भी होना चाहिए उस बारे में। सो उसके बारे में मैं अच्छे से बात की है इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना, और अगर और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। एंड हाँ, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा कर लाल से सफ़ेद कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और बस यही था, तो वीडियो को एंजॉय करिए और मज़े मारिए। बोलो साहब। हेलमेट पहरी है, मास्क पहरी है, पुलिस अभिवादन कर रही है। थैंक यू साहब। व्हाट इज दिस? हां, गोप्रो है सर, हमारी YouTube पर चैनल से। हां हां, एटले हमको एक काम है। जी सर बोल। सम्मान कर रहे हैं। जी सर, सम्मान। हमारा एक ट्रैफिक का आई फॉलो चैंपियन है, जो ट्रैफिक के सभी रूल्स फॉलो करते हैं। हां हां, अप्रिशिएट करते हैं। जी जी सर, शेयर करना Instagram। मैं तुम्हारा DK पटेल साहब नो इंटरव्यू ले चुको छु। એ અહીંયા અઠવા ગેટ પાસે જે તમારા ઇન્સ્પેક્ટર આવે છે ને, એમને મને આપ્યું હતું, મેં મારી બીજી ગાડી પર લગાવ્યું છે। કશો ને લગાવેલો સાહેબ? હેલ્મેટમાં કેમેરો છે એટલે મોટો વ્લોગિંગ। હેનિલ, હેનિલ હેનિલભાઈ, હા બધા રૂલ ફોલો કરો છો આપ? જી સાહેબ, માસ્ક પણ ચડાવેલો માસ્ક સાંભળો। જી સાહેબ, હેલ્મેટ, માસ્ક, આરસી બુક, પીયુસી, બધું બધું છે। જી સાહેબ, સન્માન કરે રાઠોડ સાહેબ। જી સાહેબ, તમને ગિફ્ટ આપે છે, હું પાછળ ઊભો રહું છું। હા સાહેબ, તમારા મોબાઈલથી બી ફોટો, મોબાઈલ બંને મોબાઈલ લઈ લો। મારે ચાલુ જ છે, વિડીયો ચાલુ જ છે। શું કેવું છો? ફેસબુક પર ફ્રેન્ડ કેટલા છે? ફેસબુક પર 1500। હા શ્યોર શ્યોર સાહેબ, હા શું નામ ભાઈ આપનું? હેનિલ, હેનિલ સર। સાહેબ આ ચેનલ જોઈ શકો છો તમે? ટ્રાફિક ના નિયમો ફોલો કરવા માટેના જ વિડીયો બનાવું છું। તમે મારી ચેનલ પર જોશો ને તો હું, અગર કોઈ ટ્રાફિક ના નિયમ તોડતું હોય કે પછી આપણે પેલું ઝેબ્રા ક્રોસિંગ હોય ને એ લોકો આગળ લાઈન પર ઊભા રહી જાય ને, તો પણ હું એ લોકોને કહું કે ભાઈ તમારું અમારે જો અહીંયા માઇક ને બધું લગાવ્યું છે, અંદર મારો માઇક છે એ ચાલે છે, અને અહીંયાથી રેકોર્ડિંગ ચાલતું હોય છે। હા એ ચાલે જ છે, હમણાં ચાલતું જ છે આ બધું। હા જી, તમે સર્ચ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો સાહેબ, સર્ચ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો એમ કહો છો? જી સાહેબ, અઠવા ગેટ પર પેલો દરગાહ છે ને, ત્યાં તમારા સાહેબ નું મેં ઇન્ટરવ્યુ પણ લીધું છે। હા અલગ અલગ જગ્યાએ બહુ સરસ કેમ્પેન છે સાહેબ, આ બહુ સરસ છે। હેનિલિયમ, HENIL, હા IUM, તમે સર્ચ કરશો એટલે આવી જશે સાહેબ। હા જો મેં આઈ ફોલોમાં કર્યું છે, તમે આને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। આ જો મેં ઇન્ટરેક્શન,
હા તમારા ડીકેએસ પટેલ સાહેબે મને એક હા મારું હમણાંનું છે એક વીક પહેલાનું જ છે આજનો વિડીયો હવે કાલે અપલોડ થઈ જશે હા એટલે તમે શેર કરી દીધો સાહેબ એટલે મારું પણ થઈ જાય હા મારો ફોન લીધો સાહેબ હા હું માં જોબ કરું છું હા હા એક શું કહેવાય અવેરનેસ વળી આ શોક પણ અને અવેરનેસ પણ ફેલાવાય એમ એટલે આપણા મુંબઈ બધા જગ્યા ઉપર કરે છે સુરતમાં કોઈ નથી એટલે મેં સુરતમાં મેં ચાલુ કર્યું છે એમ હા ઓકે સર ઓકે સર થેન્ક યુ सो गाइज आज फिर से अप्रिशिएट किया गया है मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये कैंपेन बहुत अच्छा कैंपेन है. मैंने जैसे मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था तब मैंने इंटरव्यू लिया था एंड आज अननोइंगली वापस रूल्स फॉलो करने के लिए मुझे रोका गया एंड अप्रिशिएट किया गया जो कि बहुत अच्छा कैंपेन है. एंड आई विश कि ऐसे स्टिकर्स एंड ऐसा सब कुछ आपको भी मिले एंड आपको भी अप्रिशिएट किया जाए. एंड प्लीज़ आप फॉलो करिए रूल्स, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अपने लिए भी और साथ में जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी. सो दैट्स इट, मुझे यही कहना था. एंड अच्छा हुआ कि मैंने आज कैमरा ऑन रखा था एंड ये कैप्चर हो गया ये मोमेंट. इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद द पुलिस इंस्पेक्टर एंड ऑल एंड दे वर रियली नाइस. एंड वो कहते हैं ना कि यार मतलब पुलिस से डरना नहीं चाहिए. अगर आपने सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप सब कुछ हेलमेट पहना है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो दे विल अप्रिशिएट यू. एंड कभी भी आपसे गलत तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे. कोई वैसे करता भी नहीं है, उनकी जॉब है. अगर आपने कुछ गलत किया हो तो वो ऑब्वियसली बात है आपको पकड़ेंगे, आपको फाइन करेंगे, आपको समझाएंगे. बट उनको देखकर आप यू टर्न मार के भागोगे या फिर वापस और दूसरे रूल्स तोड़ोगे, वो गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए. सो बस यही कहना था कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ. कोरोना चल रहा है, मास्क पहनो भाई. और इनके वहाँ पर भी एक और चीज़ आई थी कि मैंने उनके सोशल मीडिया पे ही देखा था, ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पे ही, कि क्या कहते हैं अपना आईपीसी सेक्शन 269 एंड 270 के तहत अगर आप डिजीज़ फैलाते हुए पकड़े जाते हो या फिर आप कुछ ऐसा करते पकड़े जाते हो जिससे डिजीज़ फैल रही हो, तो भाई साहब आपको फाइन हो सकता है एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. सो इसका ध्यान रखें एंड डिजीज़ ना फैलाएं यार. क्यों फैलानी, इतनी फैली हुई है. सो कम करने की कोशिश करो भाई. और बस यही था, बचो कोरोना से और बचाओ कोरोना से. अगर कोई कोरोना से अच्छा हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोनेट प्लाज्मा ताकि और लोग भी ठीक हो सकें. भलाई का टाइम मिला है भाई, भलाई करो थोड़ी सी, ऊपर वाला देखेगा और आशीर्वाद देगा. जान बचाने का मौका हर बार नहीं मिलता है भाई. अगर मौका मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, जाने मत दो यार. इन जनरल लाइफ हम लोग ऐसा तो कुछ खास करते नहीं होते हैं इन जनरल कि हम किसी की जान बचा रहे हों. अगर बचा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है और बचानी भी चाहिए. बट अगर आपको जब मौका मिल रहा है तो बचाओ यार, जान बचाओ, प्लाज्मा डोनेट करो. अगर कोरोना से आप ठीक हुए हो, लड़कर आप ठीक हुए हो, तो आपसे और भी लोग ठीक होंगे. तो अपनी चॉइस है बट फोर्स नहीं कर सकते. बट मेरे हिसाब से तो करना चाहिए.
और इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने से मुझे ये मुझे वापस कोरोना हो जाएगा, ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाई, टेक केयर। और जैसे कि मैं कहता हूँ, ड्राइव सेफ। ओहो, फंबल कर दिया। सो जैसे कि मैं कहता हूँ, राइड सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फैट। टाटा।